आपकी गाड़ी से फ्रेम क्यों टूटता है? आप ये जगह देख रहे हैं, ये जगह जो है ना, यहाँ पे क्या है कि जो बैठाते समय जो है ना, ये थोड़ा सा गलत जगह डिसीजन चला गया, गलत जगह बैठ गया, इसकी वजह से ये जो है ना टूट जाता है। खासतौर पर बड़ा वाला जो फ्रेम रखा है, तो ये जगह जरूर चेक कर ले कि ये जगह प्लेन है या नहीं। अगर नहीं प्लेन होगा तो आपका प्लेन कैम टूट सकता है, इससे ज़्यादा चांसेस होता है। जैसे कि मेरा टूट गया है, जो ये वाला टूट गया, अभी हम दूसरा कैम लेकर आए हैं ये वाला, ठीक है। सो आप ये गलती ना करें, क्योंकि कभी भी अगर आपका है जो मोहरता से आता है, तो आप प्लीज़ इसको चेक कर ले जगह को प्लेन है या नहीं है। और यहाँ पे मेरे पास टूटा वाला कैम है, मैं टूटा वाला कैम बैठा के देखूँगा बैठा है कि नहीं बैठा। तो अभी भी नहीं बैठ रहा है, ये अभी भी ये दिक्कत दे रहा है। समझ सकते हैं कि क्या बोलते हैं, कितना दिक्कत होता है वो जगह की वजह से। और ये जगह पे भी देख सकते हैं आप, ये निशान आ गया है, ठीक है, ये देखो। तो ये जगह को है ना, आप ज़्यादातर इसको जो है ना सही से इस्तेमाल करें, वरना ये कैम आपका तोड़ सकते हैं, जैसे मेरा टूट गया है ये वाला, देख सकते हैं, ठीक है ना। सो प्लीज़, मैं तो इसी तरह कर लिया हूँ, पर गाड़ी का मेन बात यह है कि सामान नहीं मिलता है, और मिलता है तो बहुत महंगा मिलता है। तो खास करके आप ध्यान रखें कैम टूटने की वजह क्या है, वो यही वजह है कि आपका ये चीज़ सही नहीं है और ये चीज़ सही नहीं है, इसी वजह से कैम टूटता है। और कभी भी कैम बैठाने से पहले आप ये वाला बड़ा वाला कैम बैठा है, जिस पे पूरा डायग्राम सिस्टम है, पूरा मतलब आपका पूरा सिस्टम के साथ लगा हुआ, मतलब इसके अंदर क्लच है, क्लच के पहले हिस्सा लगाया, उसके बाद छोटा वाला हिस्सा इस साइड वाला लगाया, ना आपका टूट सकता है बड़ा वाला कैम, समझे ना।